सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के फोर्थ लेक्चर में इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। ओके, मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है ये डिस्कस करेंगे। अरे भैया, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत क्या है, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ये हम सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। बिना मैनेजमेंट के तो पूरा कैओस हो जाएगा। जितने सारे टारगेट्स बिजनेस ने अचीव करने की जो है चाह रखी है, जितने सारे टारगेट्स जो है बिजनेस अचीव करना चाहती है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो कभी अचीव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो हमेशा बिजनेस के गोल्स के दिशा में तभी काम कर पाएंगे जब उनको काम करने की डायरेक्शन देने वाला कोई हो। और ये डायरेक्शन कौन देगा? मैनेजर्स देंगे। मैनेजर्स एम्प्लॉइज से काम करवाते हैं, ठीक है, मैनेजर्स पूरा प्लान करते हैं सब कुछ। तो बिना मैनेजमेंट के तो भैया ऑर्गेनाइजेशन की कोई काम ठीक से हो नहीं रही। तो चलो हम देखते हैं कि ये मैनेजमेंट हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ओके, तो ये सारी बातें जो मैं यहाँ पर आपको आज बताऊंगा, जो भी पॉइंट्स हैं इसमें, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस एक नया टॉपिक बना के उन्हीं बातों को फिर से घुमा फिरा के लिख दिया है। तो आपने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, आपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, और आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे कि वो फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स वाला ही पूरा ज्ञान को एक नए तरीके से यहाँ पर परोसा गया है। ओके, तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा है फटाफट। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अटेन टॉप पोजीशन ओनली बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टॉप पोजीशन तभी अटेन कर सकता है जब क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छी हो, ठीक है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो अपने गोल्स को, वो सक्सेस कैसे अचीव करता है, वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करता है, वो लक बाय चांस से नहीं होता, वो मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो करके ही होता है। ऑन द अदर हैंड, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स। अगर आपके बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स। ओके, मोस्ट ऑफ बिजनेसेस फेल ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो फेल करते हैं वो सिर्फ पुअर मैनेजमेंट या खराब मैनेजमेंट की वजह से ही फेल होते हैं। मैनेजमेंट जो है बिजनेस की लाइफ गिविंग एलिमेंट होता है, जीवन दान करने वाला एलिमेंट होता है। ओके, इसके बिना बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। विदाउट इट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन रिसोर्सेज एंड शैल नेवर बिकम प्रोडक्शन। तो मान लो कि कोई बिजनेस है, वो प्रोडक्शन करना चाहती है, उसने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा भी, उसने कुछ लोग भी ले आए, तो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, मटेरियल और लेबर। हम मटेरियल भी खरीद के ले आए और लेबर भी उठा के ले आए, लेकिन उनको बताने वाला ही कोई नहीं है कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कितने पीसेस बनाने हैं, क्या साइज रखनी है। तो फिर वो मटेरियल और लेबर सारा दिन बातचीत ही करता रह जाएगा, गप्पे मारता रह जाएगा, और मटेरियल एक कोने के कोने में पड़ा रह जाएगा, कभी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट नो ऑर्गेनाइजेशनल कैन रन सक्सेसफुली, एक ही बात को घुमा फिरा के बार बार कही जा रही है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को इन्होंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया इस बुक में। तो सबसे पहला क्या है हम देखते हैं, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ग्रुप गोल जो है उसको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट जो है वो ट्राई करता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स या ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इंटीग्रेट करने का। ऑलरेडी हमने अभी जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी होती हैं और इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होती हैं। तो मैंने आपको बताया था जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होती हैं, जैसे कि प्रॉपर सैलरी, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट, ट्रेनिंग, ग्रोथ वगैरह जो एम्प्लॉयज़ की हैं, वो ज़रूरी है, वो ऑब्जेक्टिव्स होती है मैनेजमेंट की। तो वो लॉन्ग रन में अगर आप ब्रॉडली सोचें तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप अचीव कर लेंगे तो फिर वो फाइनली आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को और ग्रोथ को बढ़ाने में ही हेल्प करेगी। तो आपके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, वो अगर फुलफिल हो जाएं तो वो उसी दिशा में बिजनेस को ले जाएगी जिस दिशा में ऑर्गेनाइजेशनल गोल चाहती है या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स चाहते हैं कि बिजनेस जाए, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा ग्रोथ। ये तभी पॉसिबल है जब आपके एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफिल हो जाए। अगर आपका एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ जो है वो मैनेजमेंट से नाराज़ है, वो एम्प्लॉयर से नाराज़ है, तो क्या कभी आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो कि ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा ग्रोथ, ये कभी अचीव कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल
पॉसिबल है आपके लिए। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं। मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे एक ही दिशा की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, जो कि है प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अब ये बात भी है, मैंने आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों का मतलब और डिफरेंस अच्छे से समझा दिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो मैनेजर्स जो हैं वो चाहते हैं, ट्राई करते हैं कि बिजनेस में जो कॉस्ट इनकर हो रही है उसको रिड्यूस किया जा सके और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है, विथ मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसमें ही तो हमारी कॉस्ट लगती है। कॉस्ट कहाँ लगती है, रिसोर्सेज को लाने में हमारी कॉस्ट लगती है, और इसी रिसोर्सेज को यूज़ करके हम प्रोडक्शन करते हैं। तो हम अगर कम से कम रिसोर्स वेस्ट करके प्रोडक्शन कर पाएँ तो हमारी क्या बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और क्या घटेगी, कॉस्ट घटेगी। तो इस केस में हम क्या अचीव कर पाएंगे, हम एफिशिएंसी अचीव कर पाएंगे। तो जो भी मैनेजर होता है, मान लो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्शन मैनेजर का, जो कि एक फैक्ट्री में एम्प्लॉइज़ को डायरेक्शन देता है कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये काम कब करना है, ये प्रोसेस कब चलाना है, कितना सामान इसमें लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए, ये डायरेक्शन प्रोडक्शन मैनेजर जो है ये सारी बातें वो देखता है। तो उसका काम क्या है, उस प्रोडक्शन फैसिलिटी में जो भी प्रोडक्शन हो रही है, जो भी काम चल रहा है, उसको एफिशिएंट बनाना, वहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ाना, यही उसका टारगेट होता है, और यही करने की वो हमेशा कोशिश करता है। मैनेजमेंट इंसिस्ट्स ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब मेथड्स के थ्रू, इन सब स्टेप्स के थ्रू मैनेजमेंट जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव करने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट है, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हमने पढ़ लिया फीचर्स में कि मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक। तो मैनेजमेंट अगर डायनेमिक है तो फिर वो क्यों डायनेमिक है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाना है। और डायनेमिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाना है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में बिजनेस काम कर रही है, ये हमारी एक सोसाइटी है या जो कंट्री है या जहाँ पर भी बिजनेस काम कर रही है, उसमें जो एनवायरनमेंट में जो बिजनेस काम कर रही है वहाँ पर हमेशा चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रैपिड चेंजेस हो रहे हैं। कभी गवर्नमेंट की कोई नई पॉलिसी आ जाती है, कभी कस्टमर्स का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इन सारे चेंजेस के साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा मैच करना पड़ेगा, अपने आप को भी बदलते रहना पड़ेगा। पुरानी सोच वाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पा रही है, वो कभी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएगी। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, सो मैनेजर्स कीप मेकिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ज़रूरी चेंजेस लाने पड़ते हैं, ताकि एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ बिजनेस जो है वो अडॉप्ट हो सके, अपने आप को ढाल सके। द एम्प्लॉइज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन आर जनरली रेजिस्टेंट टू चेंज। अब एक चीज़ आप नोटिस करना, या तो आपके घर में हो या आप किसी बिजनेस में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, आप देखोगे कि वहाँ पर अगर एम्प्लॉइज़ को आप बोलो कि आज तक हम जो चीज़ ऐसे करते आए हैं, कल से हम ये ऐसे नहीं करेंगे, किसी और मेथड से करेंगे, तो सबसे पहले जो आपको वहाँ पर मिलेगा वो होगा एक रेजिस्टेंस, यानी कि एक आपको रुकावट सी मिलेगी। सारे एम्प्लॉइज़ बोलेंगे कि नहीं नहीं भैया, हम तो जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, इसी में हम कम्फर्टेबल हैं। वो लोग ये चीज़ क्यों कहेंगे, इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि अगर आप किसी काम को किसी एक तरीके से बहुत समय से करते आ रहे हैं, तो अचानक मैं अगर आपको बोलूं कि इस काम को ऐसे मत करो भैया, इस काम को दूसरे तरीके से करो, एग्जांपल आप अपने राइट हैंड से लिखते हैं, आप बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं राइट हैंड से लिखने का, और आप परफेक्ट हो चुके हैं राइट हैंड से लिखने में, अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आज से आज राइट हैंड से लिखना बंद कर दो, अपने लेफ्ट हैंड से लिखना चालू करो, तो आप अचानक से मुझे बोलेंगे कि ये चीज़ भैया मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जबकि ये चीज़ पॉसिबल है अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करें। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाली बात थोड़ी ज़्यादा टफ हो जाती है, पर बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी प्रोसेस में चेंज लाने की बात हो रही है, अगर मैनुअल से कंप्यूटराइज सिस्टम में मूव करने की बात हो रही है, तो एम्प्लॉइज़ जो हैं वो पहले रेजिस्ट करेंगे, वो चेंज नहीं चाहेंगे। लेकिन मैनेजमेंट इसीलिए तो ज़रूरी है, उसी समय जो मैनेजमेंट होगी, जो मैनेजर्स होंगे, अगर वो एफिशिएंट हुए
तो वो एम्प्लॉयज़ को समझा पाएंगे अच्छे से, उनको मोटिवेट कर पाएंगे और उनको ये चीज़ बता पाएंगे कि अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे, इन चेंजेस को अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो बेनिफिट चाहिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो सर्वाइव करना है, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हमेशा नई नई चीज़ें आती हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और अगर एम्प्लॉयज़ ही अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज कैसे होगी? चेंज तो एम्प्लॉयज़ से ही होगी ना, एम्प्लॉयज़ ही वहाँ पर काम करते हैं। और ये बात भी एम्प्लॉयज़ को समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ही सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो फिर एम्प्लॉयज़ को सैलरी कहाँ से मिलेगी, उनकी फ्यूचर भी तो डार्क हो जाएगी। तो ये चीज़ उनको कन्विंस करना भी मैनेजमेंट का रोल इसमें बहुत बड़ा होता है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करती है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयज़ रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि उनकी सैलरी, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट वगैरह वगैरह जो चीज़ें थी वो सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं। तो यहाँ लिखा है, मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर दैट अलोंग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंडिविजुअल गोल ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो अचीव्ड। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव होने ज़रूरी हैं। एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, उनको सेल्फ अपलिफ्टमेंट के लिए स्कोप देना पड़ेगा, उनको प्रमोशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल गोल तो अचीव हो ही रहा है, साथ साथ में उस एम्प्लॉय का इंडिविजुअल गोल भी अचीव हो रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय को खुशी मिल रही है कि पहले मैं जूनियर पोस्ट में था पर मैनेजमेंट ने मेरी टैलेंट को देखते हुए मुझे प्रमोट कर दिया, तो वो और ज़्यादा मन लगा के, दिल लगा के काम करेगा। तो दोनों के गोल्स जो हैं यहाँ पर अचीव हो रहे हैं, इसीलिए दोनों मतलब ये एम्प्लॉय जो है वो मैनेजमेंट के लिए या बिजनेस के लिए और जी जान लगा के काम करेगा, तो ये सब अचीव करने में भी मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता। इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। एम्प्लॉयज कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर, दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुप द ग्रुप्स। तो हर बंदा जो है वो ज़्यादा कमाना चाहता है और बिजनेस क्या चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़े, तो वो कुछ ऐसी पॉलिसी ला सकती है मैनेजमेंट कि अगर आप दिन में 2 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हो, अगर आप एक्स्ट्रा हमें सर्विस देते हो, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर पाते हो, तो वहाँ पर आपको जो प्रोडक्शन के हिसाब से जो आपको पैसे मिलते थे उस 2 घंटे एक्स्ट्रा के लिए मान लो 1.5 गुना पैसे मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन उससे बढ़ जाएगा और इंडिविजुअल को भी जो एक्स्ट्रा पैसे कमाने की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी वो कमा पाएगा। तो एक दूसरे के पूरक बनेंगे, एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को देखेगा और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय की नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगा, ओके। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा इमेज बना हुआ है जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट वाइज है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो है पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये भी हमने ऑलरेडी सोशल ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस कर ही लिया है, उन पॉइंट्स को अगर आप याद रखें तो इसको भी आंसर में लिखने की आपको दिक्कत नहीं आएगी। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, दे गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑब्लिगेशंस टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज एम्प्लॉयज, कस्टमर, सप्लायर्स एसेट्रा। इट इंसिस्ट्स ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एसेट्रा। बाई इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन GDP एंड लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशन। तो मैनेजमेंट जो है, एक एफिशिएंट मैनेजमेंट, उसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो हर किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस को भी देते हैं, टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की नीड्स को ध्यान में रखते हैं, कस्टमर्स की नीड्स को ध्यान में रखते हैं, उनके जो सप्लायर्स हैं उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हैं, ओके। तो इससे क्या होता है कि इससे सोशल ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में रखते हुए बिजनेस जो है वो क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करती है, तो कस्टमर्स भी खुश रहते हैं, ठीक है। कंपिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉयज़ भी खुश रहते हैं, उनकी भी अच्छी खासी आमदनी होती है, उनका परिवार उसके बेसिस पे चलता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो होती हैं। अब एक बंदा अगर कहीं नौकरी करने चला जाए तो वो सिर्फ अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, लेकिन वो बंदा अगर नौकरी करने के बजाय अगर बिजनेस करे तो वो अपने लिए तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ही रहा है, वो बिजनेसमैन बन रहा है, साथ साथ 50 और लोगों के लिए जिसको वो अपने अंडर काम देता है उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, ओके। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीजिंग GDP। तो जैसे मैंने GDP और नेशनल इनकम की पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर दिन दिन बिजनेस ग्रो करे, उससे प्रोडक्शन ग्रो हो,
तो कंट्री की जो नेशनल इनकम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो भी ग्रो करेगी, और फाइनली उससे हमारे देश की भी ग्रोथ होगी, हमारे देश का कंट्री का इकोनॉमी भी जो है वो ग्रो करेगा। तो इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के 5 पॉइंट्स को, इन 5 पॉइंट्स को जो है वो कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने क्लास 12 के फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और उनको कहें कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर लें। आपका कोई सवाल या सुझाव अगर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि टेलीग्राम पे हमने एक नया चैनल खोला है, ठीक है, जिसका नाम है द कॉमर्स ट्यूटर। तो आप अगर चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो रिलेटेड अपडेट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।